सभी को खुश और सभी की बात मानने के परिणाम। एक गांव था जिसका नाम रामगढ़ था। वहां पर एक आदमी रहता था जिसका नाम था रामू। वह अपने 14 साल के बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम था सोनू। रामू के पास एक गधा भी था। एक बार रामू ने अपने गधे को बाजार में बेचने का सोचा। रामू सुबह अपने गधे को लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। रामू का बेटा सोनू भी उनके साथ था। रास्ते में बहुत से गांव पड़ते थे। जब वह एक गांव में पहुंचे तो वहां पर कुछ लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और बोले, अरे कैसे बेवकूफ लोग हैं, इनके पास गधा है लेकिन फिर भी यह पैदल चल रहे हैं। रामू ने सोचा, लोग तो सही कह रहे हैं। फिर रामू ने सोनू से कहा, बेटा तुम गधे के ऊपर बैठ जाओ। सोनू गधे के ऊपर बैठ गया और फिर वह आगे बाजार की ओर चल पड़े। अब वह दूसरे गांव से गुजर रहे थे तो एक औरत ने उनको देखा और कहने लगी, अरे कितना स्वार्थी बेटा है, देखो यह कितना हष्टपुष्ट है फिर भी गधे के ऊपर बैठा हुआ है, और इसका बाप जो कि बहुत कमजोर दिख रहा है बेचारा पैदल चल रहा है। रामू के बेटे को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसने सोचा कि वह औरत सही बोल रही है। सोनू ने अपने पिताजी से कहा, आप इस गधे पर बैठ जाइए और मैं पैदल चलता हूँ। अब सोनू पैदल चल रहा था और रामू गधे के ऊपर बैठा हुआ था। थोड़ी आगे जाकर उनको एक और बूढ़ी औरत मिली। उस औरत ने रामू से कहा, ये कैसा पिता है, इतना कठोर पिता मैंने कभी नहीं देखा है, खुद गधे के ऊपर बैठा हुआ है और उसका बेटा पैदल चल रहा है। रामू ने कहा, औरत की बात तो बिल्कुल सही है। रामू और सोनू ने सोचा कि हम दोनों ही गधे के ऊपर बैठ जाते हैं। गधे बेचारे की हालत अब खराब होने लगी क्योंकि सोनू और रामू का वजन बहुत ज्यादा था। गधा उन दोनों का भार उठाने के कारण बहुत थक चुका था। जब वह बाजार की ओर बढ़े तो उन्हें दो आदमी मिले जो कि एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। रामू ने उनसे कहा, भाई साहब जरा आप बाजार जाने का रास्ता बताएंगे। आदमी ने उन्हें बाजार जाने का रास्ता बताया। उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम लोग कितने क्रूर हो, एक मासूम जानवर के ऊपर दोनों बैठे हुए हो। गधा एकदम थक चुका था। रामू और सोनू ने सोचा कि आदमी तो सही कह रहा है, क्यों ना हम दोनों एक डंडे से गधे के पांव बांध ले और उस डंडे के एक छोर को रामू पकड़ेगा और दूसरे छोर को सोनू पकड़ेगा, जिससे गधे को आराम मिलेगा और उसकी थकान भी मिट जाएगी। दोनों ने ऐसा ही किया। अब वो गधे को बांध के आगे बाजार की ओर ले जा रहे थे। रास्ते में एक कच्चा पुल पड़ता था जिसके नीचे एक नदी बहती थी। जैसे ही वह तीनों पुल के ऊपर चढ़े वैसे ही पुल कमजोर होने के कारण टूट गया और वह तीनों नदी में जा गिरे। रामू और सोनू नदी से बाहर आ गए लेकिन गधे के पांव बंधे थे इसलिए वह नदी के बहाव में बह गया। अब जाकर रामू और सोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि दूसरों की राय मानकर खुद का नुकसान हो गया है।